ताबड़ू सीआईए पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम काटने वाले बदमाश को दबोचा है। बता दें कि नूह एसपी वरुण सिंगला ने आज प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया है कि प्रभारी सीआईए ताबड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में गठित टीम ने अंतर्राज्यीय एटीएम काटने के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने पकड़े गए अंतर्राज्यीय बदमाश से दो देसी अवैध असला व दो खाली खोल व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल माड़ीखेड़ा भर्ती कराया गया, जहां से उसे नलहड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इस बदमाश की तलाश थी। पुलिस पिनगवा पुलिस ने इस संदर्भ में धारा 186, 332, 353, 307 व अवैध हथियार की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि सीआईए ताबड़ू पुलिस टीम अपराध रोकने व अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त कर रही थी। उसी दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शकील उर्फ शक्की पुत्र हनीफ निवासी साला का एटीएम काटने का आरोपी है। आज किसी काम से पिनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फलेणी गांव आया हुआ है। अगर दबिश दी जाए तो काबू आ सकता है। पुलिस टीम ने साहा चौका फलेणी मार्ग पर पैदल आते हुए एक शख्स को देखा। जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो भागने लगा। इसी दौरान उसने पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करने पर फायर कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से गोली सीआईए इंस्पेक्टर ताबड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। इसी दौरान पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में फायर किया, जो शकील उर्फ शक्की के पैर में लगी। गोली लगने के बाद शकील उर्फ शक्की जमीन पर गिर गया और पुलिस के जवानों ने उसको अवैध हथियार सहित दबोच लिया, जिसके बाद उसे सरकारी गाड़ी में बैठाकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल माड़ीखेड़ा ले जाया गया। गोली लगने से घायल हुए बदमाश की तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस पकड़े गए बदमाश को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। उसे रिमांड पर लेकर उसे कई राज्यों में की गई एटीएम काटने की वारदात का खुलासा रिमांड के दौरान हो सकता है। साथ ही पूछताछ में उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। बदमाश ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में एटीएम काटने की वारदात अंजाम दी थी। करीब दर्जन भर वारदातें सामने आ चुकी हैं। स्वस्थ होने पर बदमाश को रिमांड पर लिया जाएगा तथा उन राज्यों की पुलिस को सूचना दे दी गई है जहां जहां शकी पर मामले दर्ज हैं। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने आज पत्रकारों को बताया है कि अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस टीम पूरी सतर्क है। अपराध व अपराधियों का सफाया करने के लिए विशेष अभियान समय समय पर चलाए जाते रहे हैं और पुलिस को भारी कामयाबी इस दौरान मिलती रही है। जी बिल्कुल, आज जिला नूह पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अपराध की रोकथाम के अंदर जो हमारी टीमें निरंतर काम करती आ रही हैं, उसी प्रयासों में जो हमारी अपराध शाखा ताबड़ू है उसको एक सूचना मिली थी कि ये शकील उर्फ शक्की पुत्र हनीफ निवासी साला का जो है, जो कि दर्जनों भर मुकदमों में वांछित है, जिसमें पश्चिम बंगाल में दर्ज मुकदमे हैं, राजस्थान में हैं, गुड़गांव में हैं और उसके अलावा हमारे मेवात में भी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, जो कि एटीएम को काट कर लाने की वारदातों में लगातार संलिप्त रहा है और एवं इसने एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भी फायर करने का फायर किया था जब ये एटीएम की वारदात कर रहा था। तो ये काफ़ी कुख्यात अपराधी था। इसकी जैसे जानकारी मिली कि ये शाह चौखा से के नज़दीक फलेंदी गांव के उस रास्ते पर मौजूद मिल सकता है, जिस पर हमारी टीम के द्वारा तुरंत रेड की गई और इसका पीछा किया गया। टीम को पीछा करते देख इसके द्वारा फायर किए गए, जो बचाव में हमारी टीम के द्वारा भी फायर किए गए और उस मुठभेड़ में इसको एक पैर में गोली लगी है। इसको तुरंत उपचार के लिए माड़ीखेड़ा अस्पताल सरकारी में लेके जाया गया और इसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और छानबीन जारी है। देखिए, अभी तक ये खबरें आ ही रही हैं, अभी तक हमारे पास करीब दर्जन भर मुकदमों की खबर आ चुकी है और हमारा अनुमान है कि ये और भी मुकदमों में वांछित है। इसके विषय में हमें सभी राज्यों की पुलिस से बात करनी पड़ेगी और वहाँ जहाँ पर भी इसके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे उन सभी में इसको शामिल जाँच संबंधित पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा और इसके आगे गिरोह में कितने सदस्य हैं ये जिसका ये उपचार ठीक होने के बाद जब ये मेडिकली फिट होगा उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी और रिमांड लिया जाएगा कि
कितने उसके गैंग में मेंबर्स हैं और किस प्रकार से ये वारदात को अंजाम देते हैं। ये बिल्कुल स्वस्थ है जी, खतरे से बाहर है। आदि है, ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं और इनको मालूम है कि अपने ठिकाने पर रहेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, तो लगातार हमारी धरपकड़ में इस पर कई बार हम लोगों ने रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हर बार बच निकलता था, तो आज हमें कामयाबी मिली है। हमें आज अपराधी से दो अवैध असले एवं दो खाली खोल व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।